आज से 250-300 साल पहले यानी 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी देशों में यानी यूरोप के देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों की तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया, जिसे औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और हम सब जानते हैं कि इस क्रांति ने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित भी किया है। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति के दौर में कभी कभी किसी एक आदमी की लापरवाही या छोटी सी गलती हजारों लाखों लोगों पर भारी पड़ जाती है, और ऐसा औद्योगिक क्रांति के इतिहास में कई बार हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की बात करेंगे कि यह दुर्घटनाएं कहां पर हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था, बहुत कुछ जानेंगे इस बारे में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें सबसे पहली है डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल का हादसा। 20 अप्रैल साल 2010 में मेक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल जैसी एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्र में तेल फैलने की घटना मानी जाती है, जो घटना एक विस्फोट के कारण हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में 4.9 मिलियन बैरल तेल फैल गया था, जिस कारण इस कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा था। लेकिन समुद्र में यह दुर्घटना हुई थी, इस कारण 80,000 से ज्यादा समुद्री पंछी मारे गए, 7,000 जितने समुद्री कछुए मारे गए, 26,000 जितनी समुद्री मछलियां मरी हुई मिली। वैसे यह आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा मैंने आपको बताया। और इसके अलावा हमारी प्रजाति के 11 लोग इस हादसे में मारे गए। तो इतनी बड़ी तबाही के कारण साल 2012 में इस कंपनी के 14 अपराधियों को इसका दोषी ठहराया गया और उस कंपनी पर 4.5 बिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। दूसरी दुर्घटना है चाइना में कोयले की खान में हुआ गैस का विस्फोट। चाइना में लियोनिंग नाम की जगह पर बैंक्सी नाम के इलाके में एक कोयले की खान थी। वैसे तो साल 1905 से यह खान शुरू थी, जिसका नाम होंगकेको कोल माइन था। लेकिन साल 1942 में 26 अप्रैल के दिन मजदूर इसमें खुदाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक इस खान में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने का कारण था कि खुदाई के दौरान गैस निकला, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि गैस निकल नहीं पाया और बहुत बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में बड़े बड़े पत्थर, धूल और गैस उड़ने लगी और इस कारण इस खान में काम करने वाले जो मजदूर थे उनमें से करीब 1549 मजदूर मारे गए थे। इसे बैंगसू कोलियरी डिजास्टर भी कहते हैं, जो चाइना के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा धमाका था। तीसरी दुर्घटना सेवोसोमे केमिकल एक्सीडेंट। साल 1976 में 10 जुलाई के दिन इटली देश के सेवोसो शहर में यह धमाका हुआ था। असल में ICMESA नाम की कंपनी थी, जो केमिकल बनाने की एक कंपनी थी। यहां पर अचानक केमिकल का विस्फोट हुआ, जिस कारण इसमें टॉक्सिन पॉइजन डाइऑक्सिन हवा में मिल गया, यानी इस विस्फोट के कारण वहां की हवा जहरीली हो गई और हवा में जो जहर था उसे TCDD कहते हैं। तो जब यह विस्फोट हुआ तब इस कंपनी के आसपास में जितने भी जानवर थे उनमें से 3,300 जानवर तभी मारे गए और बाद में वहां की हवा में जहर मिल जाने के कारण और 80,000 पालतू जानवर मारे गए थे। इसका एक दूसरा कारण भी था, TCDD का जहर जमीन पर भी फैल गया था, जमीन पर घास उगती हो वहां पर भी, तो जो पालतू जानवर घास चरने जाते थे वो भी उस घास को खाकर मर जाते थे। इस कारण बाद में इस जगह को इटली की सरकार, वो कंपनी और लोकल लोगों ने मिलकर साफ किया और आज वो जगह एक फॉरेस्ट पार्क के रूप में बनाई गई है। इसके बाद अलास्का में एक्सन होल्डेज का टकराना। 24 मार्च साल 1989 में एक्सन होल्डेज नाम का एक समुद्री जहाज ऑयल लेकर जा रहा था। कच्चे तेल से भरा एक्सन होल्डेज अपने टर्मिनल से निकलने के बाद अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में प्रवेश कर चुका था। उस समय रात के करीब 12 बजे थे, तभी अचानक से जहाज एक चट्टान से टकरा गया। इसके कारण एक्सन होल्डेज जहाज से 11 मिलियन गैलन ऑयल बर्बाद हो गया और सारा ऑयल समुद्र के पानी में मिल गया। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन बाद में उस जगह पर तूफान आया
चॉइस ऑयल को करीब 1000 मील तक दूर ले गया। दिखने में ऐसा लगता था कि अलास्का के इस समुद्र में पानी नहीं बल्कि ऑयल भरा हो। इस हादसे में उस कंपनी को $7 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो कई लोगों को पता है, लेकिन उस लोगों को ये नहीं पता कि इस ऑयल के कारण समुद्र में रहने वाले 2.5 लाख समुद्री पक्षी, 2800 समुद्री उद्भिलाव, 300 सील, 250 ईगल और 22 वहल मछलियाँ और छोटे छोटे लाखों समुद्री जीव मारे गए थे। और आज यानी इस हादसे के 30 साल बाद भी कुछ घायल प्रजातियाँ अभी भी ठीक हो रही है, क्योंकि वह ऑयल अगले 20 सालों तक समुद्र के पानी में मिला हुआ था। इसलिए इतिहास में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें एक्सॉन होल्डेज दुर्घटना को सबसे बड़ी दुर्घटना माना जाता है। उसके बाद है ट्रायंगल शर्ट वॉइस फैक्ट्री फायर। 25 मार्च साल 1911 में अमेरिका के सबसे बड़े न्यूयॉर्क शहर में ट्रायंगल शर्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और इस आग के कारण इस फैक्ट्री में 145 कारीगरों की मौत हो गई। इसे अमेरिका के औद्योगिक इतिहास में सबसे बुरी घटना के तौर पर आज भी याद किया जाता है। जैसे हमारे भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वैसे भोपाल गैस त्रासदी तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। असल में न्यूयॉर्क की यह फैक्ट्री युवा महिलाओं को रोजगार दे रही थी। यहाँ महिलाओं से 12 घंटे काम करवाया जाता था और जहाँ पर यह कंपनी बनाई गई थी उस बिल्डिंग से 2 चिड़ियाँ नीचे जाती थी। इन 2 ही चिड़ियों से कंपनी में आना जाना मुमकिन था, तीसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कारीगरों के अंदर आ जाने के बाद इन 2 चिड़ियों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते थे ताकि कोई कारीगर किसी चीज की चोरी ना करे। तो 1911 में 25 मार्च के दिन जब आग लगी तो उस समय कंपनी में 6 कर्मचारी मौजूद थे। आग बुझाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। कर्मचारियों ने लिफ्ट से निकलने की कोशिश की पर उसमें केवल 12 लोग आ सकते थे एक बार में। महिलाओं ने चिड़ियों से भागने की कोशिश की पर नीचे दरवाजा बंद मिला, इस कारण अंदर ही अंदर कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आखिरी बांग्लादेश में राना प्लाजा में हुई दुर्घटना। बांग्लादेश में पिछले 10 सालों में कपड़ों का व्यापार यानी टेक्सटाइल उद्योग का विकास बहुत तेजी से हुआ और इस दौर में यानी साल 2013 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में राना प्लाजा नाम की बिल्डिंग थी, जो ढाका गारमेंट फैक्ट्री नाम से भी जानी जाती है। ये कपड़ा बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें ज्यादातर महिलाएं काम कर रही थी। लेकिन 26 अप्रैल 2013 में अचानक ये बिल्डिंग गिर गई जिसमें बहुत सारे कामदार इसमें दब गए और 26 अप्रैल को यह दुर्घटना हुई थी। लेकिन अगले महीने की 13 मई तक लोगों की लाशें निकल रही थी। इस हादसे में टोटल 1138 लोग मारे गए और करीब 2500 जितने लोग इसमें घायल हुए थे। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।